हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों का प्रचार जोरों पर है। अभी हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए हिमाचल कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका ईटीवी भारत। धन्यवाद। सर, पहला सवाल, कांग्रेस की जो 10 गारंटी है चर्चा में है। एक तरफ कांग्रेस अपनी जनसभाओं में लोगों को समझा रही है, दूसरी तरफ भाजपा नेता मंच से इस पर सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, भाजपा नेता का ये दायित्व है कि जो हम प्रश्न पूछते हैं उसका जवाब दे, और जिस प्रकार का वो जवाब दे रहे हैं उनसे ये ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें ये महसूस होने लग पड़ा है कि भाजपा का जो किला 5 साल से सत्ता के अहंकार में डूबा हुआ था, वो सत्ता का अहंकार टूटना शुरू हो चुका है। सर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार 2 दिनों से हमीरपुर जिला के दौरे पर भी आ रहे हैं। उनका बयान आया है कि जिनकी खुद गारंटी नहीं है वह किस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं, कैसे लोग भरोसा करें? अब जयराम ठाकुर जी तो अपनी सरकार की गारंटी दे, कांग्रेस की गारंटियों पर चर्चा करने से पहले अपने सरकार की जो कारगुजारियां हैं 5 साल में वो बताएं। कांग्रेस की गारंटी योजना आने वाले भविष्य के हिमाचल की जनता की उम्मीदों की गारंटी है। मेरा यह मानना है कि जयराम सरकार जो है वो अब भाषणबाजी और जुमलेबाजी में फंसकर कोई तर्क के हिसाब से अपनी बात नहीं कह रही है। ओपीएस एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है, और रिसेंट में एक ओपीएस को लेकर जो एनपीएस कर्मचारी यूनियन है उसके जो मुख्य पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं या प्रवक्ता हैं, जिन्होंने जोईया मामा का नारा भी दिया था, बड़ा चर्चा में रहा था, उनके खिलाफ भाजपा की तरफ से शिकायत की गई है कि फेसबुक सोशल मीडिया पर कांग्रेस को फेवर करने की पोस्ट की जा रही है इन कर्मचारियों द्वारा। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, वो कांग्रेस को फेवर करते हैं सोशल मीडिया में करते हैं, वो तो उनके व्यक्तिगत विचार है, कोई भाषण नहीं देते, और व्यक्तिगत विचारों की आज़ादी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये लोकतंत्र है, इसमें कोई ऐसा कानून नहीं है कि मुझे मुझे अपना अधिकार चाहिए और मैं अपने अधिकार की बात अगर फेसबुक पर लिखता हूँ तो उसमें गलती क्या है? अगर सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने इस प्रदेश को बनाया, विकास की गाथा लिखी, अगर वो फेसबुक के माध्यम से अपनी बात और अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसमें गलत क्या है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उसके उनके खिलाफ़ कंप्लेंट क्या बनती है? वो कोई भाषण नहीं दे रहे, वो अपनी मन के विचार को एक जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसमें व्यक्त कर रहे हैं, उसमें कोई पाबंदी थोड़ी है। या तो पाबंदी लगी हो तब तो बात है। तो इस प्रकार की शिकायत करके सिर्फ जनता का ध्यान और सरकारी कर्मचारियों को डराना चाहते हैं। सरकारी कर्मचारियों को डरने की जरूरत नहीं है, चंद दिनों की बात है, इनकी सरकार जारी है। सर, गृह मंत्री अमित शाह जी नादौन के दौरे पर भी आए थे, उन्होंने कहा कि इन दिनों कांग्रेस के हालात ऐसे हैं कि 10-12 सीट जीतने के लिए एक फॉर्मूला कांग्रेस ने ईजाद किया है कि 10-12 लोगों को बोल दिया है कि जाओ आप मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे ही आपके ऊपर भी उन्होंने सीधा तंज कसा कि नादौन क्षेत्र में भी ऐसे ही मुख्यमंत्री पद का दावा किया जा रहा है, लेकिन उनको शायद मालूम नहीं है कि कांग्रेस में राजा और रानी के बेटे मुख्यमंत्री बनते हैं। उनके इस बयान पर क्या कहेंगे सर? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी मेरे विधानसभा क्षेत्र में आए और हमारी जनता ने उनका स्वागत किया। वो देश के गृह मंत्री हैं और देश के गृह मंत्री ने के पास इनपुट तो होगा ही। मुझे इस बात की खुशी है कि वो स्वीकारते हैं कि नादौन से भी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, इस दृष्टिकोण से उन्होंने बात की। और हमारी पार्टी के आंतरिक मामलों में उन्होंने कहा कि राजा रानी का बेटा बनता है, लेकिन मेरा मानना है कि इस बार कोई मुख्यमंत्री आम परिवार का ही सदस्य बनेगा, और मुख्यमंत्री भी विधायकों से ही बनता है, और मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले विधायक बनना जरूरी है। तो मेरा मानना है कि पहले हमको विधायक बनना है। कई बार क्या होता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से भी नुकसान हो जाता है। प्रेम कुमार धूमल जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया, उनको नुकसान हो गया। अब कहने का इनका डबल स्टैंडर्ड है,
भारतीय जनता पार्टी का डबल स्टैंडर्ड है। वहाँ तो धामी जी को हारने के बाद मुख्यमंत्री बना दिया, या मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होने के बाद धूमल साहब हार गए, उनको दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो ये जो बात ये कहते हैं हमारे गृह मंत्री जी, तो हम उनकी बात का स्वागत करते हैं। जब वक्त आएगा पार्टी हाईकमांड जो फैसला करेगी उसके आधार पर अगला मुख्यमंत्री बनेगा। जी ने बयान दिया है कि कांग्रेस बिन दूल्हे की बारात है और कोई भी काबिल नेता कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है प्रदेश में जिसे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जा सके। कांग्रेस पर टिप्पणी करने से पहले वो अपने पार्टी के जो दूल्हे हैं श्री जयराम ठाकुर जी, उनके बारे में बात करें। हिमाचल की जनता की अदालत ने उनको डाइवोर्स देने का मन बना चुकी है और 12 तारीख को जब वोट डालने जाएंगे तो हिमाचल की जनता की अदालत उनको डाइवोर्स दे चुकी होगी, जिसका फैसला 8 दिसंबर को सामने आएगा। ये निश्चित है कि हिमाचल की जनता की अदालत ने श्री जयराम ठाकुर जी को तलाक देने का मन बना लिया है। और जो कांग्रेस पार्टी के दूल्हे की बात करते हैं, वो 8 दिसंबर के बाद कांग्रेस पार्टी का दूल्हा भी होगा और उसके साथ सभी बराती भी होंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हिमाचल कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयानों पर पलटवार किया है। इनका स्पष्ट कहना है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो कि भाजपा के दूल्हे हैं, उनका जो जनता है, प्रदेश की जनता है, उससे तलाक होने वाला है और निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ETP भारत के लिए हमीरपुर से कमलेश भारद्वाज।